रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है मज़े में होंगे। सैयदास किचन से मैं हूँ सैयदा फौजिया। व्यूवर्स, आज मैं अपने घर के लिए मैंने एक आलू की कतलियाँ, हमारी मतलब ये रेसिपी हमारी माँ की है, हमेशा उन्हीं की यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत ईजी से आलू की, हम इसको बर्फियाँ कह लें, कतलियाँ कह लें, वो मैं बनाती हूँ। बहुत ईजी मेथड है, तो मैं आज मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मतलब उनको अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छी लगती है, पूरी फैमिली को। ये हमारी मम्मी की स्पेशल रेसिपी है, हमारी माँ की, वो हम बनाते हैं। लेकिन जब मैं आज बना रही थी शाम के लिए, मतलब खाने के लिए, मैं आपको भी शेयर कर लेती हूँ। तो इसके लिए हमें कोई ताम झाम नहीं करने पड़ेगा, बहुत इजी रेसिपी है हमारी, बहुत ज़्यादा। मैंने इसमें वही एज यूजल जितना आप ऑयल खाते हैं वो डाल लीजिएगा, और है ना जितना भी आप खाते हैं ना ऑयल, आप इसमें डाल लीजिएगा, कोई मसला नहीं। मैं जितना लेती हूँ, मैंने 3.5 चम्मच एज यूजल, इतना तकरीबन तो इतना ही लेती हूँ मैं, ठीक है। इससे मैंने तक, अगर आप कम डालना चाहें तो कल कम कर लें। मेरे पास जीरे के एक टेस्ट ही अलग आता है। थोड़ा कर दो, कैमरा पीछे करें। अच्छा, तो ये मैंने इसमें तकरीबन पूरा एक पैकेट मेरा है जीरे का, मैंने हाफ डाला है। अगर आपने डालना हो तो तकरीबन थोड़ा सा बचे, मैंने सारा डाल दिया, क्योंकि आलू में जीरे का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, और इसमें पड़ी जाएंगी साबुत लाल मिर्ची, क्योंकि बहुत इजी रेसिपी है, कोई तामझाम नहीं है, बहुत इजी है। अगर आलू भी इतने अच्छे हैं, देखिए आलू मतलब मैं ऐसे क्रश करके डालती हूँ, इस तरह टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, और ये ना अरोमा टाइप का, और चिल्ली की जो थोड़ा थोड़ा मज़े वाला टेस्ट होता है ना, जो मिर्चे लगने वाला, वो भी आता है। बाकी आप चाहें तो पूरी इसके अंदर, ये 10 रुपये के साशे हैं, जो एक मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ, ये 10 रुपये का मेरा जीरे का था, 10 रुपये का ये मेरा मिर्चों का था। और ये बहुत अच्छी आपको जो ज़ीरा जो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, ये हमारे बराबर में ईरानी स्टोर है, वहाँ से हम लेके आए, वरना इतना अच्छा ज़ीरा मिलता नहीं। ऑब्वियसली मैं आपको सही बात बता रही हूँ, मैं जब भी मैंने हमने ज़ीरा मंगवाया, इतना सा आता है उसके अंदर। ये स्पेशल पैकेट है जो 10 रुपीज़ का, उसमें इतना अच्छा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे ईमानदार ईरानी अंकल है हमारे पड़ोस में, नए उनकी शॉप के लिए, तो वो बहुत अच्छी तरीके से ना, वो हमारे मतलब आगे जाके गली के अंदर है, तो ये ज़ीरा मैंने वहीं से लिया। आपने मुझसे पूछा ना मसाले मैं कहाँ से लेती हूँ, आजकल मसाला जब उनसे ही ले रही हूँ, तो आप देखिए मैं खुद भी हैरान होती हूँ कि ना ये ज़ीरा, इतना सारा ज़ीरा 10 रुपये के पैकेट में नहीं आता, आप यकीन कीजिए। मैं क्योंकि मैं पकाती हूँ ना, मुझे अंदाज़ा, और ज़ीरे की क्वालिटी देखिए, मिर्चों की क्वालिटी आम हालत में इतनी अच्छी नहीं मिलती है, आम बाज़ार से जो लेते हैं ना हम, उनसे आजकल स्पेशली उनसे ही ले रहे हैं, तो ईमानदार बंदे हैं, और बहुत बहुत ज़बरदस्त मसाला उनके पास। अच्छा जी, ये मेरा थोड़ा सा ब्राउन शेड पर आ जाएगा, और आलू जो है, क्योंकि नए आलू हैं तो बहुत ज़्यादा छीला नहीं है उनको, मैंने थोड़ा सा खुरच किया ना, क्योंकि सर नरिशमेंट जो उनकी सारी इस नए आलू के अंदर है, छिलका कर उतार देंगे और फोड़ो जैसा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा मैंने सिर्फ हल्का सा उसको ना क्रश साफ कर लिया है, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे और न्यू करके टेस्ट लगेगा खाने में। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा ब्राउनिश होने के लिए डाल दिया आलू, आलू में तो थोड़ा कम छोटी आलू है मेरे, क्योंकि माशाल्लाह मेरे सबसे पसंद है ना, जैसे सर्दियों के आलू, मेरी बेटी जो आलू फेवरेट है, तो आलू बहुत अच्छे लगते हैं हस्बैंड को भी। हाँ, थोड़ा इसको ऐसे कर रहे हैं कि छिलना कोटी है ना इसकी, हो गया। अब तो नहीं सीटें लग रही, मेरी बेटी को सीटें लग रही है इसके ना, वो सेल उछल रहा है। तो न्यू आलू का ये होता है, टेस्ट भी अलग होता है, उसको कम से कम छीलना है, तो इतना ज़्यादा नहीं छीलती। तो मैं इसका छीलती हल्का हल्का से, मैंने ऐसे ऐसे इसको मैं दिखाने के लिए बोला था आपको, ये देखिए तक इसकी जो ब्लैक ब्लैकिश है ना, ये साफ हो जाए, बस इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं छीलती। लहसुन खाई तो फ़ायदा कुछ नहीं है, ये देखिए इसे कतली ऐसे बना लें। मेरे तो माशाल्लाह सर्दियों में वैसे भी आलू मेरे अच्छे खासे 1 किलो 1.5 किलो लेती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह ख़त्म हो जाते हैं, माशाल्लाह ज़्यादा नहीं लगे। तो ये देखें, इसे टेस्ट इतना अच्छा होता है, और ये खाने में इतने अच्छे होते हैं कि खुद ना खुद बंदा खाते ही जाते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा पकाते हुए, कि आपको लगेगा इजी रेसिपी है। और ये मेरी अम्मी की रेसिपी, मेरी मामा बनाती थी, और हम लोग सब ये मतलब जब भी होते हैं ना तो अच्छा लगता है बनाना हल्का हल्का। इसको आप पराठे के साथ खा सकते हैं, मैंने आपको पराठा बनाना भी सिखाया, और जो परख वाला है चाहते हैं वाला वो, और इसमें आप है ना पूरी से भी खा सकते हैं इसको। बस आपने ये रखना है कि आपने करना ये है,
कि आपने पेड़ और हकीकत का एक रेशो है, अगर वो रेशो आप सही रखेंगे ना, ये देखें पिछले क्लास के मेरे आने लिखे, आप रेशो अगर आपने सही नहीं रखा ना इसके अंदर, तो समझिए कि आपको कोई खाना इतना अच्छा नहीं पकेगा। थोड़ा अक्ल इधर होइएगा प्लीज़, खैर जी नमक और हल्दी उसमें कुछ नहीं जाएगा, इसमें हल्दी जाएगी और नमक जाएगा बस, और ये फेस में और लुक भी इनका बहुत अच्छा लगे। नमक आहारा की फेस आप जितना डाले, मैं मुझे अंदाज़ा है इसमें कंची वगैरह संभालने का, तो मुझे पता इसका नमक सेट रहेगा। ये हो गया हल्दी, आपने जितना आपने डालनी होगी, हालांकि मेजरमेंट हर चीज़ है, लेकिन मुझे अपने एक अंदाज़ा है कि मुझे पता इतना इतना डालूंगी तो सेट हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसमें क्या डाला, पहले मैंने भगा ऑयल, आपकी मर्जी आप कितना ले लो क्या वो ले लो, वो डिपेंड करते आप पे। मैंने ऑयल के अंदर जीरा का पैकेट डाला है तकरीबन, साबुत लाल मिर्ची कुछ तोड़ियों को साबुत डाल दी है, आलू डाले हैं मैंने, नमक डाला है और ना नमक डाल के मैंने इसके अंदर हल्दी डाली, बस ये भी है इसके अंदर। अच्छा मुझे चूँकि इसमें बड़ी वाली मिर्च अपना कलिया पीछे हो जाए तो ऑयल उछल रहा है, गर्म है ना इसलिए, क्योंकि मैंने मुझे बड़ी मिर्ची अच्छी रखी मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी, तो मैं इसलिए मेरी बड़ी मिर्ची मैं मंगाई। ये आप ऐसे इसको सिर्फ कट करेंगे और ऐसे डाल देंगे ताकि इसका अरोमा भी आ जाए, इसका टेस्ट भी आ जाए, और आप जब बनाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, टेस्ट में बहुत अच्छी होते हैं। अभी हम बातें करते रहेंगे, थोड़ा ये अपना पक जाएगा और थोड़ा सेटअप हो जाएगा, तो आपको थोड़ा फाइनल दिखा के तो किसका मैं बताऊँगी कि पकने के बाद कैसे रहते हैं। अब ये देखिए मेरे हांडी की शक्ल देखिए कितनी खूबसूरत है, और मेरा पैन भी न्यू है, ये मेरे जहेज का पैन है, तो मेरे बच्चों हम लोग जाके लेके आए थे ना, तो वो है ये पैन मेरा, मैंने निकाला था बिहार, डॉक्टर शर्मा भी याद आ गई मुझे कि है ना उनके साथ ही जाके पैन लिए थे हम लोगों ने, जहेज का सामान था, लड़की का उसको याद है वो तो थी ना उससे। तो ये मेरा पैन है न्यू, ये मेरे न्यू साल के आलू हैं, और ये मैं रख इनको दम पे, जो दम पे आ जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी इनकी मजीद शक्ल क्या होगी। जब तक हम करते हैं बातें जनाब, ये हो गया ये पैन में मेरा भी थोड़ी इसको सेटिंग लगेगी पकाने में। अच्छा दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का सीज़न बहुत अच्छा है, मटर वगैरह बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप मटर को सेव कर सकती हैं। अच्छा बहुत से लोग कहते हैं कि मटर को एक चम्मच दो चम्मच शक्कर डाल के, हाँ शक्कर डाल के इसमें आप है ना ये कर लें कि आप ये कर लें कि शक्कर डाल के बॉयल कर लें या कर लें, देखिए अगर आप किसी तौर उसको सही रख लेंगी ना, क्योंकि मेरे यहाँ तो माशाल्लाह इस तरह की चीज़ें मुझे कई कई किलोज ला के हम लोग फिर वो मैं यूज़ करके प्रिजर्व नहीं करती इसको, मैं ये नहीं करती कि मैं ना उसको ख़त्म कर दूँ या मैं उसको ये कर दूँ, मतलब मैं उसको फ्रीज़ नहीं करती, बस ये मेरी आदत है, क्योंकि हमारे माशाल्लाह जितना फ्रेश खाएंगे ना वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं उसको, आप उसको हनूज करना चाहते हैं या उसको कुछ आप चाह रहे हैं कि सेव कर लें, तो आप फ्रीज़र में डाल दें, और या बॉयल करके दो चम्मच आप उसमें शक्कर डाल के बॉयल करके उसको भी आप रख सकते हैं फ्रीज़र में, या फिर डिपेंड करता है कुछ जो प्रोसेस ही लगे। मैं तो ये करती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा होता तो मैं उसको अलग अलग शॉपर्स में करके उसको फ्रीज कर देती हूँ, मैं कुछ नहीं करती। जब निकलते हैं थोड़ा सा पानी भिगोएंगे, और जब खुशन मटर पुलाव जब बनता है ना, जब मैं बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी मटर पुलाव वगैरह जो बनेगा। तो आजकल के सर्दियों की सब्ज़ी है ना, गाजर है, चीज़ें हैं, गाजर का हलवा है, इस तरह की चीज़ें बनेंगी ना तो वो खाने में मज़ा आएगा, और इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी ना अपने घर के लिए मैं बनाऊंगी, तो मैं हाथ के साथ आपको शेयर भी कर लूँगी। ठीक है, तो ये जब आप ये बनाइएगा, या मटर जब मैं बनाऊंगी तो मैं किस तरह उसको प्रिजर्व कराऊंगी या उसको मैं साइड में रखूंगी, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी कि मैंने किस तरह प्रिजर्व किया। अच्छा ये टॉफीज़ मैं आपको बताऊँ, मैंने एक नई इन्वेंशन की है, एक नई इन्वेंशन, मैं जिस रात को दूध हम लोग पीते हैं बच्चे को या हस्बैंड को देते हैं, तो मैंने सडनली बस अपने हस्बैंड के लिए ना ये टॉफीज़, ये भी मैंने वही ईरान की टॉफीज़ नहीं है, और ईरानी अंकल से ही ली है मैंने, ये तो ये टॉफीज़ है या चॉकलेट्स हैं ये, अगर आपसे दूध आप बना रहे हैं ये तो अभी दूसरी है, और एक और टॉफी चॉकलेट टाइप की आती है, मैं वो भी बताऊंगी आपको, वो इसमें अभी आई नहीं, मैंने मंगवाई थी शाम को ना, तो वो आप दूध जैसे बॉयल करते आप एक चॉकलेट की टॉफी इसी टाइप की, लेकिन वो चॉकलेटी है, वो इतनी साइज़ की होती इतने साइज़ की, वो मैं डाल की तो इतना बेहतरीन उसका टेस्ट आया था कि ये नानी है, ये मतलब ये ईरान की चीज़ें हैं ये,
और हमारे तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत अच्छा स्टोर खुला है हमारे मोहल्ले से थोड़ा आगे जाके, तो उस वहाँ से बहुत अच्छी लगी है मुझे। मैंने इसको दूध में डाला, इतना मज़े का टेस्ट आया है उसका, दूध अच्छा लगा पीने, बच्चों को भी और बड़ों को भी अच्छा लगा। तो ये टॉफी काफ़ी मंगवाई थी, तकरीबन ख़त्म होने के बाद ये इतनी रह गई है मेरे पास, अभी थोड़ी देर पहले खोली थी। तो ये अगर दूध में आप डालेंगे ना, इसकी नरिशमेंट अलग होगी और आपको इसकी जो वो मिलेगी ताकत अलग है, और टेस्ट एकदम, बच्चे जो ना बहुत शौक से पीते हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छी तारीफ की उन्होंने, अच्छा लग रहा है। और मेल्ट होके सडनली जब उसको सिप सिप पियो ना, वो जस्ट लाइक कॉफ़ी और उसका कोको जैसा अरोमा आ रहा था उसके अंदर। ठीक है, हाँ हाँ जी। तो ये देख लीजिएगा, ये आम मिल जाती है हमें, तो ईजी यूँ हो गया कि ये हम यहाँ से बराबर में से मिल जाती है, ईरानी प्रोडक्ट है सारी ये। तो अच्छी लगी तो शेयर कर दी, जो मैंने परचेज़ किया, जो मुझे अच्छा लगा मैंने परचेज़ कर दिया आपको। अच्छा एक लुक करते हैं आप, देखिए मेरी, देखा आपको तो कुछ, हमेशा मैं ये कहती हूँ आपको तो कुछ वो आ नहीं रही है, हम सुन रहे हैं क्योंकि हमें पता है ना कि इसका अरोमा बेहतरीन आएगा। और इसकी जो उसकी हमने चाक करके थोड़ी सी जो ये ग्रीन चिली डाली है, और इसका मज़ा ही अलग है। आप लोग, मेरी बच्ची खूब सूंघ रही है, आप लोग नहीं सूंघ पा रहे, आप खुद बनाएंगे। अच्छा जो मिर्चियाँ मैंने तोड़ के डाली थी उनका देखेंगे ये इनका ये अलग जो बीज निकल जाएंगे, क्योंकि हम इसको नहीं खा सकते, खाने में ये है कि हम इसको नहीं खा सकते, लेकिन इसको कुछ हमने तोड़ के डाली हैं। और ये मेरे हस्बैंड की तहा की फेवरेट जिसे कहते हैं ना, वो डिश है मेरी। और कुछ मैंने साबुत डाल दी है, ये देखिए मेरी साबुत भी नज़र आ रही है आपको। और जस्ट फॉर अरोमा मैंने तीन ये बड़ी वाली ग्रीन चिली है ये कट करके डाली है, अभी थोड़ा सा और ही गल जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल मैशी इसको तोड़ देती हूँ मैं, तो खाने में अच्छे से, हल्दी है नमक और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आप ये खुद देखिए इतना इजी है। आजकल तो आलू इतने बेहतरीन आए हुए, तो मैं तो माशाल्लाह, देखिए मेरा जो ऑयल का कलर कितना खूबसूरत आ रहा है, इसमें हल्दी और नमक के बस कुछ नहीं डाला है मैंने, कि मैं कहूँ कि मेरी ये तामझाम कुछ भी नहीं है, सिंपल रेसिपी। एक दफ़ा और दिखा दें कल पर ज़रा, फिर मैं इसको बंद कर देती हूँ। ये देखिए कोई तामझाम नहीं है, बस ये गलने पे आ जाएंगे। इसको मैं लगा दूँगी बट्टा इसके ऊपर, बिकॉज इस तरह लगाने से क्या होता है, उसका जो भाप होती है ना उसके अंदर ही पैक हो जाती है, और खाना जल्दी, हालांकि बस प्रेशर कुकर है, लेकिन मैं खाना इसी तरह बनाती हूँ कि मैं उसको अपने पतीले में रख के उसको, प्रेशर कुकर है सब है, लेकिन जो अरोमा आपको इस तरह पकाने में और मज़ा मिलेगा ना। एक बार देखिए हम ग्राइंडर में पीस लेते हैं, वक्त की कमी है तो कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ हम स्टिल बट्टे पर रगड़ रगड़ कर पीसेंगे ना, उसका मज़ा ही अलग होगा। इसी तरीके से हम प्रेशर कुकर में, मुझे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे हलवा टाइप की चीज़ें पसंद नहीं है। अगर आप जैसे ग्राम सीड है, सफ़ेद चने या काले चने, आप रात भर भिगो दो, थोड़ा सा मेहनत करने से खाना बहुत अच्छा पकता है। रात भर भिगो के अपने सोडे में थोड़ा सा पानी फेंक के उसको चढ़ा दें, मतलब पूरा पानी सोडे का ना फेंकें, उससे चावल आपके जो चने बहुत अच्छे गलेंगे। वो भी मैं करके दिखा दूँगी आपको, जब मैं रखूँगी तब भी दिखा दूँगी, और जब मैं पकाऊँगी तब भी बताऊँगी किस तरह रखना है और क्या करना है। तो थोड़ी सी मेहनत चाहिए, औरतें जो होती हैं वह, मुझे नहीं पता कि बहुत आलसी में उनको खाना पकाना से है, मतलब वो इतना बोझ समझ के पकाती हैं, मैं तो हैरान होती हूँ उनको देखिए, मुझे तो मज़ा आता है। अपने घर में भी सबसे छोटी हूँ, और अपने घर में भी खाना बनाना जिम्मेदारी है सारी मेरी, क्योंकि सब बहन भाई बड़े थे, मैं सबसे लास्ट की थी, जो पकता था खाना मेरे बाबा मेरे मामा तारीफ़ करती थी मेरे बहन भाई, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि एक एक तारीफ में मज़ा आता था कि सबसे छोटे और बड़े तारीफ करें ना, अच्छा लगता था भाग भाग के इनके लिए पकाना ही करना। अच्छा और तारीफ भी बहुत होती थी कि भाई मेरे बाबा मुझे चुलचुम बोलते, चुलचुम ने पकाया इतने मज़े का, तो मुझे अच्छा लगता था। मेरी माँ तो कौरमा, मतलब उनके साथ साथ लगी रहती थी, मैं छोटी सी थी, बाकी मेरे बड़े बड़े अपने कामों में लग जाते थे, मैं लास्ट की थी तो मैं सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। इसने ज़्यादा अच्छा सीखा, अपनी माँ से सलीका सीखा, सारा जो सीखा सिखाया अपनी माँ से सीखा है हमने। ठीक है, अच्छा जी, बातें करने आप लोगों से बहुत मज़ा आता, क्योंकि मेरी भी पक रही है हांडी, ये भी गल जाएंगे आलू, थोड़ा मैंने दम पे रखा, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको उसका फाइनल टच दिखाऊंगी, फाइनल टच देखने के बाद फिर ये क्या हम वाइंड अप करेंगे। अच्छा जी, और एक बात, कल हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, मेरा हैप्पी न्यू ईयर में मूड था, मैं आपको इजी सा कोई केक बनाना है बताऊंगी, लेकिन चूंकि सर्दी इतनी है, फिर रेनोवेशन हुआ था, वो उसकी उसकी थकान भी, बुखार फिर घर के भी काम, तो मेरा निकलना नहीं हुआ। अगर मैं कल जाके मैं ले आई तो इंशाल्लाह मैं आपको इजी केक जो मेरा है वो बनाना बताऊंगी, इसी तरह बता दूंगी, वो बैठे बैठे बन जाएगा, उसमें कोई तामझाम नहीं है कि बहुत ये करना है वो करना है, ईजी तरीके से बता दूंगी मैं आपको कल, अगर मैं सामान ले आई जाके और मेरा तैयारी कंप्लीट हो गई तो इंशाल्लाह इजी केक की रेसिपी, इजी केक जस्ट लाइक ऐसी बता दूंगी मैं आपको, क्योंकि न्यू ईयर भी है, फिर अल्लाह करे इस साल हम सबके लिए खुशियों का पैगाम लाए।
हमारी दिली मुरादें पूरी हों, सबको अल्लाह मौला के साथ कैद राजी और सेहत के साथ सब मिलजुल के अच्छी तरीके से रहें, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं, इसलिए मिल के रहें, अच्छी तरह गुजारें, खुदा अल्लाह मौला के साय में। और सबके लिए दुआ खैर करती हूँ, सबको अल्लाह के मान रखे, कुल पाकिस्तान में हम सब, पाकिस्तान से बाहर जो है मेरा भाई सैयद काजम रज़ा, सब 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 के लिए, तमाम बहन भाइयों के लिए, सब के लिए दुआ खैर करती हूँ। क्योंकि मेरे भाई ज़ाहिर परदेश में है ना, तो उनकी ज़्यादा याद आती है, तो उनके लिए भी ज़्यादा दुआ इसीलिए की जाती है। मेरा बहुत चहीता, बहुत अच्छा बड़ा भाई है मेरा, बहुत लविंग, जस्ट लाइक बाप माँ की तरह, तो बार बार तस्करा उनका इसीलिए करती हूँ, वो पाकिस्तान में नहीं अमेरिका में रहते हैं। अल्लाह उनको सेहत दे तरह की, तो हम सबको पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर सबको ये साल मुबारक करे। तो कल देखिए अगर मैं केक का मैंने मैनेज कर लिया मैं तो बनाऊँगी, नहीं तो अदरवाइज वीडियो नहीं बनाऊँगी। इससे पहले से मैंने आपको हैप्पी न्यू ईयर कह दिया, ताकि ये ना हो कि देखो आप ने सीधा किचन से हमें हैप्पी न्यू ईयर ही नहीं आया, तो इससे पहले मैंने बता दिया सीधा फौजे की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और दूसरी बात यह है कि खुदा के वास्ते पटाखे वटाखे मत फोड़िएगा, इतना ज़्यादा लोग उधम सी व्यू जाके करते हैं, कितने लोग जान से जाते हैं पता है आपको, हम गाँवों में। हाँ मैंने अच्छा मैं ऐसा करूँगी, मैंने वहाँ अपना स्नैक पर दो रकत नमाज शेयर की रसूल खुदा की, कि हम हर साल वही पढ़ते हैं, हम हर साल वही पढ़ते हैं दुआएँ वगैरह, क्योंकि इस दुआ और अल्लाह मौला से ही हमारी बचत है। दो रकत देखिए कल भी जरा यहाँ लिखाएंगे, ये देखिए मेरे आलू का ये टूटना शुरू हो गए, बस ये गलने पे आ गए थोड़ा सा इनको मैं, ये देखिए माशाल्लाह ना, ये माशाल्लाह नए आलू है ना, इनका टेस्ट और ये हर चीज़ बहुत, देखें कितने जल्दी ये गल भी गए। और थोड़े मैंने मोटे मोटे काटे हैं, क्योंकि ये मोटे से होते हैं उनको तोड़ते ना तो टेस्ट दुबाला हो जाए। अब पतले पतले महीन जो करते हैं ना उसका मज़ा नहीं है, मुझे नहीं अच्छे लगते, साफ बात है। जो मैं अपने घर में बनाती हूँ, ये देखिए थोड़े थोड़े मोटे मोटे होंगे, ये देखिए टूटने टूट के ना इनका ये टेस्ट अलग आएगा, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिएगा जो मैं कर रही हूँ, देख के बेटा मोबाइल गिर जाए पतीले में। अच्छा ये भी देख लें, ये देखिए मेरा ऑयल देखें कितना अच्छी निकल गया है ऑयल भात, ठीक है, इसने छोड़ दिया है इसको। ये सारा चीज़ें दिखा रही हूँ बार बार, ये मेरी कट की हरी मिर्च देखें कितनी क्लास की लग रही है, ठीक है। अच्छा मैं ये कह रही थी बस थोड़ा सा मैं आपको वाइंड अप करूँगी, और थोड़ा करूँ तो गल जाए, ये फाइनल टच है इसकी। मैं थोड़ा और गलाऊंगी बिकॉज मेरे हस्बैंड को गली हुई चीज़ें बहुत पसंद है, बिल्कुल मैश हुए हुए, मतलब ना मैश ना बहुत कच्चा दरमियाना। अच्छा तो मैं ये बता दी दो रकत नमाज रसूल खुदा की, जो हर शब की 31 की रात को शब को पढ़ते थे वो, तो मैंने स्नैक वीडियो पर शेयर की है, तो अगर आप देखना चाहो तो भले वहाँ से देखना। हम लोग हर साल वही पढ़ते हैं, और इसके अलावा भी तो दुआएं वगैरह सभी पढ़ते हैं, ये कहूँगी मैं पूरा जागती हूँ तो ये सभी पढ़ते हैं, सबको अल्लाह वाला से लगाने, लेकिन साल की जो इब्तदा है वो उस दुआ से की जाए, ताकि साल अच्छा और नेक गुजरे हम सब के लिए। मैं सबके लिए दुआ मांगती हूँ, अल्लाह मेरे सबको अपने अमान में रखेंगे। अच्छा जी, और अपने सवाल क्या पूछा था, पाए का, तो जनाब पाए का तो ये है कि अब आपका सीज़न है ना, तो पाए तो बहुत महंगे हैं। मैंने पूछा था सिर्फ पेयर ही 1600 रुपये का एक जोड़ी, तो पाए का ये कि मैं आपको इंशाल्लाह पाए का योगा के सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि पहले पकते हैं ना वो पूरा, मैं पूरी रात नहीं पकाती कि मैं उनको छोड़ दूँ गल के हल हो जाए, नहीं इतना रखती हूँ कि जब उनको मैं बंद कर दूँ तो अपनी जो उनका एक भाप होती है ना उसी में भी गल जाती हूँ, मैं बेतुके निकल आती। फिर सेकेंड डे जो उसका जो भगार लगता है, वो चीज़ें होती है ना सारी, वो मैं बता दूँगी आपको जब मैं लेके आऊँगी ना इंशाल्लाह। मार्केट जाना होगा तो फिर दो चार चीज़ें मैं इंशाल्लाह ला के पाए का पूरा पाए बहुत सिंपल बनाती हूँ मैं, मतलब ये नहीं कि उसमें बहुत सारे बाजारी मसाले हम नहीं डालते, हम घर की जो हमारी अम्मा बनाती थी ना हम वही चीज़ उसमें डालते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट होता है और प्याज होती है पिसी हुई बस, और गरम मसाले होते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ डालते हैं, क्योंकि जब उसको उसका यखनी टाइप जो होती है ना पीते हैं उसका टेस्ट हमारी बॉडी के लिए। आप देखें अक्सर लोग ना कहते हैं हड्डी गुड्डी का यखनी पिलाओ हड्डियों की ताकत के लिए, खुश लड़कियों को तो लड़कों को भी चाहिए, लेकिन लड़कियों को ज़्यादा देना चाहिए, कि लड़कियों को आगे जाके शादी होती है और उसके मसाइल होते हैं उनके साथ, तो लड़कियों को अपने घर में इतना खिलाएं पिलाएं कि जब ससुराल जाएं तो उनको टेंशन ना हो, मतलब अपने घर की बुनियाद लड़के को भी देना है और लड़की को भी देना है। मैं ये देखती हूँ, मतलब मैं बच्चों को देखती हूँ सूखे सूखे बच्चे यार, मतलब खिलाओ। फिर बचपन से मैंने बेटी को कॉम्प्लेन दिया माशाल्लाह, उसकी हाइट वगैरह अभी उम्र से बड़ी लगती है तो क्या हुआ, कोई मसला नहीं, मोटा ताज़ा बच्चा अच्छा लगता है, जब से छोटी सी तब से मैंने उसको कॉम्प्लेन दिया माशाल्लाह, उसकी हाइट अपनी उम्र से डबल हाइट है उसकी माशाल्लाह, लगती है कि हाँ भाई खाती पीती फैमिली की है। ये मैं हैरान होती, बच्चे पतले पतले सूखे सूखे, अरे यार खिलाओ पिलाओ बच्चों को, इनको नहीं खिलाएंगे तो फिर किसको खिलाएंगे। और मेरा तो पूरा तकरीबन मेरा सारा किचन में गुजरता है, कभी हस्बैंड का कभी बच्ची का, लगी रहती हूँ मैं इसमें,
और मुझे अच्छा भी लगता है। और अब तो आप लोग भी हो गए मेरे साथ इंक्लूड, शामिल हो गए मेरी इन चीज़ों के अंदर, जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब आप लोग मेरी तारीफ़ करते हैं तो मुझे, अभी तब से मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप करते थे, मेरे हस्बैंड, मेरी बच्ची, अब माशाल्लाह आप लोग भी तारीफ़ करते हैं तो मुझे बेतहाशा अच्छा लगता है कि हाँ भाई, तकरीबन सब लोग ही मुझे गुड दुनिया में देख रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है बस इस बात का कि आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, आप लोगों को पसंद आता है खाना वगैरह सब चीज़ें। तो मेरी मेहनत पहले तो ये था कि बहन भाई, माँ बाप, हस्बैंड, उसके बाद हस्बैंड, बच्ची, अब आप लोग भी तारीफ़ करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इनबॉक्स में करते हैं, तेरास किचन की तारीफ़ होती है, यकीन का यूट्यूब तक से मुझे पैगाम आता थे कि इतना अच्छा है। और बाकायदा जो जो मुझे अप्रिसिएशन मिलती है ना, मेरे कंप्यूटर में बाकायदा शो होती है, कभी पॉपकॉर्न का थैला होता है, कभी मतलब ये यूट्यूब की तरफ से मुझे अप्रिसिएशन मिलती है कि बहुत अच्छा जा रहा है। तो मैं अल्लाह की तो शुक्र गुजार हूँ, जिसने इतना कुछ दिया है, सारा कुछ उसी का दिया हुआ है। रब दो जहाँ का, वरना हमारी क्या औकात है, हमारी कोई औकात नहीं है। ठीक है, ये मेरा एक दफ़ा लुक और दिखा दूँ मैं आपको, ये मेरा फाइनल टच है, कंप्यूटर दिखाइएगा, ये मेरा फाइनल टच है, ये देखा आपने, मेरे आलू टूट टूट के उछल रहे हैं, देखिए आपने, ये फाइनल टच है, देखा ये सारा अरोमा, ये सारी चीज़ें, ये मिर्चें वगैरह सब देखें, ये देखें फाइनल टच, ये बहुत इजी रेसिपी है। और अगर इसको आप पूरी के साथ, ये देखें, नाश्ते में बना लें आप और पूरी के साथ, कहते हैं कितना क्लास का, ये कभी नज़दीक ला के दिखाइए, मोबाइल ना गिर जाए पतीली में, डर लगता है, अभी न्यू लिया है। अच्छा ये देखें सारा, ये लीजिए, हाँ देखिए माशाल्लाह 3-4 मोबाइल है, लेकिन जो नए मोबाइल की कदर होती है ना, वो अलग ही होती है। अच्छा जी ये देखें, ये हो गया मेरा फाइनल टच हो गया, मैं इसको छोड़ दूँगी। ये देखें माशाल्लाह, ये मेरे मसाले देखें कितने क्लास के, ज़बरदस्त मेरी बेटी, देखें ओके ज़रा दिखाइएगा कल ज़रा ना, ये देखिए मेरा सारा मसाला चीज़ें, ये मिर्चें, ये साबुत, ये टूटी हुई सारी हो गया बस। अब मेरा आप इसके साथ पराठे ले सकते हैं, आप इसके साथ जो है ना आप पूरियाँ बना सकते हैं, आप सुबह नाश्ते में इसको अच्छी तरह कर सकते हैं। पराठे जो 4 पराठे मैंने आपको सिखाए ना, वो याद से कीजिएगा, वो बनाइएगा, वो जायका दोबारा हो जाएगा। मैं तो बनाऊँगी रोटी, क्योंकि आटा गून के अभी रोटी बनाऊँगी, फिर खाना सर्व करूँगी। जनाब मेरा काम तो हो गया, मैं क्या, मैं आपको अच्छा से एक रेसिपी इतनी अच्छी बन रही है तो मैं दिखा देती हूँ, आप लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे, आप लोग भी बनाएंगे, तो फिर मुझे बताइएगा आपने बनाई तो कैसी लगी, टेस्ट कैसा आया, टेस्ट कैसा आया आपको, क्या मज़ा आया, आपने कैसा बनाया। एक चीज़ ऊपर नीचे आपने की ना, तो समझे कि रेसिपी पूरी ख़त्म हो जाएगी, सारी ख़त्म हो जाएगी रेसिपी। इसीलिए मैं कह रही हूँ इसको अच्छी बनाइएगा, जैसे मैंने आपको रूल्स दिए ना, टिप्स दिए, उसी के थ्रू फॉलो कीजिएगा। अच्छा अच्छा आपने पूछा था लीमू के कतरे आपको सूट करता है, लीमू तो 2 कतरे 3 कतरे, आधा कतरे आधा चाहिए, मुझे जितना आपको चाहिए, ग्लिसरीन और गुलाब के उसमें डाल लीजिएगा। अच्छा कमर के दर्द में एक आपको बताऊँ, लेडीज़ को अक्सर बहुत होता है ना कमर का दर्द, तो उसमें आप ये करेंगी कि ना इंजीर, फिक फिक कहते हैं इंजीर को, इंजीर ले लें और अर्के गुलाब ले लें, उसमें डाल के इसको पूरा भिगो के, अब सुबह जब नहा रू खाएंगे तो आपका तकरीबन आपको 1 वीक तो खाना पड़ेगा ना, उससे आपको दर्द कमर भी सही होगा, आपको तवनाई भी मिलेगी, कलर भी फेयर होगा, कप्स के जो जुमला मसाला जात हैं वो भी सही हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी इसके साथ मेरी रेसिपी रेडी, मेरी पतीली में खाना रेडी है, मेरा सभी मैं आपको दिखा चुकी, फाइनल टच में एक दफ़ा और दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए सर्विंग के लिए रेडी है। ठीक है, एक दफ़ा और लुक देखें, मेरा देखे तेल कितना खुदक खुदक के बाहर आ रहा है, देखा आप माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सारा मेरा सेटिंग है, ये हो गया बस। मैं भी जी अब चाहूँगी आपसे इजाज़त, और खाने पकाने का है, चीज़ों का ही टॉफ़ीज़ हैं मेरी, जो मैंने आपको बताया था, दूध में डाल के दीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये आम मिलती हैं, कोई ये नहीं कि मगर मेरे पास स्टोर सब जगह मिलती हैं, लेकिन चूंकि स्टोर नया खुला तो उसकी तारीफ़ मैं कर रही हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ मसाले भी चीज़ों से भी, तो इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। इसको नानी टॉफ़ी है ये, ठीक है, इसको ये डालें, एक और टॉफ़ी आती है वो मैं आपको कमिंग जो वीडियोस में दिखाऊंगी अगर वो भी डालेंगे ना टेस्ट अच्छा आएगा। बस बस बेटा काफ़ी, इतना जो नहीं कर बच्चा, ये देखिए। अच्छा जी मुझे सैयदा फौजिया को सैयदा किचन से दीजिए इजाज़त, इस अपनेपन के साथ जहाँ रहिए खुश रहिए आबाद रहिए, खाइए पीजिए और दूसरों का हक ना खाइए, बाकी सब खाएं, दूसरों का हक ना खाएं, ना किसी को परेशान करें, ना किसी को तंग करें, क्योंकि ना ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिलती है, बार बार नहीं मिलती। आप भी खुश रहें
और दूसरों को भी खुश रहने की रहने दें, क्योंकि इस तरह क्या होता है ना, जलन करें ना हसद करें। ये दुआ करें, अल्लाह ने उसको दिया तो मैं तो ये दुआ करती हूँ, अल्लाह ने उन्हें दिया अल्लाह हमें भी नवाजे, हम जलन नहीं करते कि हसद के मारे के गिर गिर के मर मर जाए, हम ऐसा नहीं करते, हम सबके लिए दुआ खैर करते हैं। ठीक है, चाहे सैयद हो चाहे सुन्नी हो, जो भी हो, किसी भी फिरके से ताल्लुक था, सब ताल्लुक रखते हों, सब मिल के रहें। वैसे भी नया साल आ रहा है, नए साल की खुशियाँ हैप्पीनेस सबको मुबारक हो। मुझे सैयदास किचन से सैयदा फौजिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।